रतन यादव को आप कैंडिडेट चुने हैं मुखिया में, क्या लग रहा है? लग रहा है जीतेगा, गरीबों का मसीहा है जी, गरीबों का भलाई किया है, और क्या कहता है बाढ़ में हाफ पेंट पिन करके और जो गरीबों डूबा हुआ था उसका घर घर सारा रकम पहुंचाया, उसका कपड़ा दिया, उसका चूल्हा जलाया है और अपने पैसे से चचरी बनवाया, यहाँ से वहाँ तक सारा राह खत्म था, उस पर आकर उसी पर आकर के सब अपने अपने घर आया पानी कमने का बाद। इसी को वोट दीजिएगा? हाँ, वोट इसको नहीं देंगे तो रावण को थोड़ी दे देंगे, रामराज लाना है हमको, रावण को नहीं लाना है। अच्छा व्यक्ति को चुने आप लोग। हाँ, हाँ, अच्छा कैंडिडेट, पूरा फुल बहुमत से जिताएंगे, सभी गरीबियों गरीब जीतना है, सब इसके साथ हैं, गरीबों का मसीहा है रतन यादव। किसको वोट कीजिएगा? शैल कुमारी को। शैल कुमार आपका? रतन यादव है। आपका नाम? रामचंद पासवान। वार्ड नंबर? 7। सुभाष चंद्र पासवान। अच्छा, अभी आपके गांव में एक समिति है, अभी वर्तमान में अभी मुखिया से उम्मीदवार हुए हैं, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? किसके बारे में हम लोग सोचते हैं? जो रतन बाबू को वोट देंगे हम लोग। अच्छा, फुल मोहब्बत से? फुल मोहब्बत से। विकास तो क्या होगा? जी हाँ, पहले रतन बाबू कोसी जो आया ना, हम लोग को पानी घर घर हो गया जी। अपना घर से रतन बाबू क्या कहते हैं, मुरही चूरा और साबुन तेल चावल सब कुछ घर घर पहुँचाए अपना से, क्या कहते हैं पहले तो धोती पहनता पेंट शर्ट, लेकिन कच्छा लगा करके घर घर बटवारा किए हैं, अभी तक साबित देते हैं, बहुत आदमी जान रहा है इस बात को, भर छाती पानी में घुस करके अपने उसके घर में जा जा करके वितरण किए। उसके बाद जब ये आया है करुणा में, करुणा में कम से कम तो 2 लाख का साबुन बटवारा और मांस किया है, और घर घर में किसी के घर में अभी ये इतना साबुन दिया गया जो कोई कहने का वर्णन नहीं रहा, एक आदमी पर 10 साबुन 15 साबुन 20 साबुन को दिया है रतन बाबू। अभी क्या लग रहा है, बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए हम लोग को, ये है जो साफ साफ बदलाव हुए, रतन बाबू को वोट दिया जाए, सब मिल करके रतन बाबू के मुखिया बनेंगे हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष चंद्र पासवान। कौन गाँव? जमुई में है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 5 में हम हैं। सर अपना परिचय दीजिए पहले। मैं रतन यादव जी, ग्राम पंचायत बी कोरलाही, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और मेरी पत्नी निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य है, और इस बार के 2021 के चुनाव में हम मुखिया पद से अपना दावेदारी दिए हैं। जब 5 साल के लिए जनता मौका देती है तो जनता के लिए पहला उद्देश्य क्या रहेगा आपका? जनता के लिए देखिए, जब जनता हमें मुखिया बनाती है इस ग्राम पंचायत की जनता, और हमें सत्ता मिलता है इस ग्राम पंचायत का, तो हम सबसे पहले इस ग्राम पंचायत के जो गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो बेजुबान लोग हैं, उनके साथ जो समस्या है सबसे पहले उसका निष्पादन करेंगे। इसका निष्पादन करने का एक मेरा माध्यम होगा, सबसे पहले अभी इस ग्राम पंचायत के अंदर में पंचायत सरकार भवन है जो अप टू डेट नहीं है, चालू नहीं है, उस पर सरकारी कर्मी नहीं बैठते हैं। हम सबसे पहले पंचायत सरकार भवन पर इस ग्राम पंचायत के अंदर में कार्यरत सभी सरकारी कर्मियों का उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि जनता का काम ग्राम पंचायत में ही हो सके। आज ग्राम पंचायत के जो बेजुबान लोग हैं उनको कुमारखंड का चक्कर लगाना पड़ रहा है, जबकि सरकार ने सारा सुविधा ग्राम पंचायत के अंदर में दिया है, ग्राम पंचायत के सरकार भवन में दिया है, यहाँ लाखों का कंप्यूटर का ऑपरेटर सर रहा है सरकार भवन में, और जो गरीब लोग हैं उन्हें बाज़ार जाकर दुकान जाकर के ऑनलाइन कराना पड़ता है, जिससे बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। हम जनता के हिस्से की काम को करेंगे। सरकारी भवन तो है, उसमें एप्लीकेशन आगे दिए हैं जनता? दिया होगा क्या एप्लीकेशन?
जैसे कि अभी सरकारी सरकार भवन बने हुए हैं उसमें अभी काम नहीं करते हैं सरकारी फंड में, तो उसके बारे में आप आगे सूचना दिए हैं? देखिए, आगे सूचना देने से कुछ नहीं होता। सत्ता जिनके पास है, जो इस ग्राम पंचायत के अभी वर्तमान मुखिया जी हैं, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि सरकार भवन को अपटूडेट करें। जब खुद मुखिया ही, ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं, संपूर्ण ग्राम पंचायत के लोगों का काम करने के लिए और इस ग्राम पंचायत के संपूर्ण विकास के लिए ही मुखिया का चुनाव होता है, और जब मुखिया जी को ही बैठने का ठिकाना ना हो तो फिर सरकारी कर्मी क्या करें, उनका क्या दोष है? जिस ग्राम पंचायत में मुखिया कैंडिडेट है, अभी लड़ रहे हैं, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? इसके बारे में सोच रहे हैं कि रतन यादव जी एक ईमानदार व्यक्ति है जी। इस समाज के लिए आज 25 वर्षों से समाज के लिए काम करते आ रहे हैं, गरीब गुरबा को मदद पहुंचाते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। जिस रोज ये कुछ नहीं थे, इनका समिति कार्यकाल मात्र 5 साल हुआ है। 5 साल में जो मदद किया तो छोड़िए, प्रतिनिधि थे, उससे पूर्व 20 साल जनता को मदद करते आ रहे हैं। गरीब गुरबा, श्राद्ध, शादी, सभी में इन्होंने मदद किया है। इसलिए इस बार का माहौल है कि इनको जिता करके गरीब गुरबा का हक दिलाएंगे। इससे पहले हम लोगों का पार्टी था महागठबंधन, इस बार गरीब गुरबा का पार्टी बना है, ठीक है जी। हाँ, गरीब गुरबा का पार्टी बना है और गरीब गुरबा ही हम लोगों को मदद कर रहे हैं, इसलिए कि उन लोगों को हक दिलाने का काम किए हैं, करेंगे, करते रहेंगे, करते भी हैं, और यही उद्देश्य से इनके पीछे सारे लोग जन सैलाब के रूप में नॉमिनेशन नामांकन के दिन उमर पड़े थे। और हमारे जनप्रतिनिधि जो 5 साल अभी बीत चुका है, उन्होंने हमारे एक गणमान्य व्यक्ति कह चुके हैं कि इंदिरा आवास के नाम पर ठगी किया है, पशु सेट पर ठगी किया है, लोगों को ठग के कि हम ये योजना देंगे, इतना टका दीजिए, वो नहीं दिया है। उससे पूर्व आपको सुरेंद्र यादव मुखिया थे, 5 साल इंदिरा आवास का रुपया सभी लाभार्थी का, एक लाभार्थी का नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, जितना मिला सेंट्रल बैंक में ऊपर में गमछी बिछा के टका हंसोत लिया। आज तक मैं नाम गिनाऊंगा तो आप लिख सकते हैं, और मैं नाम गिनाता हूं कि किस किस से टका लिया है, और अभी तक 70 आदमी का इंदिरा आवास का रुपया नहीं लौटाया है। जाता है तो कहता है अच्छा भांज करते हैं, कोई बात नहीं। जब उनकी हार हुई तो उन्होंने 5 साल तक घर में सो गया, किसी जनता से सरोकार नहीं रखा। और इस बार जब चुनाव आया है तो क्या कहते हैं, अखाड़ में जब वर्षा होता है और पीला बेंग होता है निकल जाता है, अब भो भाई करता है, उसी तरह से निकल आया है, आ गरीबों के बीच में भो भाई करता है, तो उससे गरीब मानने वाला इस बार नहीं है। उनकी हार सुनिश्चित है, हम हर जगह 85% में हैं, जीतेंगे। रतन यादव को क्यों चुने आप मुखिया में? ईमानदार है, देखिए एक तो समिति मद में राशि नहीं है जी। आप जानते हैं कि प्रखंड में 5% 10% राशि आती है, ये 29 समिति हैं, 5 लाख आया, 10 लाख आया, 29 समिति को बांटना है। 3 काम हमको बताइए जी, रतन यादव काम किए हैं आपके क्षेत्र में, 3 काम बताइए हमको। हाँ बोलिए। हाँ, कोरोना काल में जी इन्होंने तो कम बोले, मैं साथ था इनके, कम से कम 7 लाख का मैं खरीद में साथ था, मास्क और साबुन वितरण किया है। और सुनिए, उस समय में बेटा बाप को नहीं देखता था, बाप बेटा को नहीं देखता था, पत्नी पुरुष को नहीं देखता था, क्या था कि नहीं जी। और उस समय में हम लोग
घर घर जा करके अपने हाथ से साबुन वितरण किया, मास्क वितरण किया, कहे हम लोग कोरोना नहीं डरता क्या? लेकिन उस सबसे मैं गरीब लोग था है ना। उसके बाद जब 2008 में जब बाढ़ आया था तो उस समय हम लोग कुशान नहर पर कम से कम 10-20 लाख का सामान वितरण किए अपना, ये जो कहिएगा कोई एनजीओ से लेके कोई क्या कहते हैं किसी से ठग के वो नहीं, अपना सब गरीबों के बीच जो भी जुट पाया वितरण किया। उसके बाद 2011 में शायद बाढ़ आया था, साधारण बाढ़ 17 में, अच्छा 2017 में बाढ़ आया था। उस समय हम लोग मुखिया को तो राशि है सरकार की, हम लोग अपने पैसा से हर घर चावल दाल क्या कहते हैं मुरही चूड़ा चना तेल साबुन घर घर पहुंचाने का काम किया है। इसलिए सारे लोग का मन है कि नहीं रतन यादव आज 25 वर्षों से काम कर रहा है, हाँ हम लोग उनको वोट देके जिताने का काम करेंगे और जिताएंगे।